गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज सरोज मोहित और हम लोग अभी पहुंच गए कसारा। यहाँ से अभी टमटम पकड़ेंगे और जाएंगे कलसुबाई को। कसारा से आपको ऐसे गाड़ी में बैठ के जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो ऐसे हम लोग कैसे बैठे हैं। एज यू कैन सी एट सीटर में 16 लोग को ऐसे कॉम्पैक्ट करके बिठा दिया है। तीन ज़्यादा 19 रुकना 120 पर सीट गुड प्राइस आई गेस। कलसुबाई बेस ना, बहुत मजा आया गाड़ी में। हम लोगों को ऊपर रूफटॉप पे बैठने मिला है। एंजॉय 120 रुपीस पूरे वसूल हो गए। और अभी देखते हैं ट्रिक स्टार्ट हो गया। टाइम क्या हो गया भाई? टाइम खराब चल रहा है, बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। 9:15 बजे हम लोग अभी ट्रिक चालू कर रहे हैं। देखते हैं अभी अप्रॉक्स 4 to 3 आवर्स लगते हैं, लेकिन अभी हर एक के ऊपर डिपेंड करता है कौन कैसे चढ़ेगा। लेन सो फार सो गुड, बहुत मजा आने वाला है ये ट्रिक। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज सर्वेश मोहित और आपको जैसे पता है हम आ गए अभी कलसुबाई ट्रैक करने। कलसुबाई इज महाराष्ट्र हाईएस्ट पीक और मैंने एक्चुअली 11th में भी कलसुबाई किया था। सो अभी वापस करने में थोड़ा मज़ा आ रहा है। मैं मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ हूँ अभी, हैविंग अ ग्रेट टाइम। देखते हैं अभी 10:10 और हम लोग कलसुबाई का जो टेंपल है, जो मेरे पीछे जो मैंने गेट दिखाया, तो वहाँ से हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं। हार्डली 4 hours लगते हैं। अभी देखते हैं हम लोग कितना टाइम लगता है। कीपिंग अप विद द टाइम। हार्डली अभी आई गेस 25% कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अभी इस कर हर मैदान फते, कर हर मैदान फते। हम लोग अभी माची रीजन पे आ गए कलसुबाई के। ओके, आप देख सकते हो माची मतलब यूजुअली प्लेटू रीजन होता है, फ्लैट होता है। और अभी इसके बाद 3 आयरन स्टेयर्स आएंगे, तो वो 3 आयरन स्टेयर्स होने के बाद ऊपर पीक है। फिलहाल तो टाइम कितना हुआ है? वॉच तो अंदर दिया, वॉच अंदर है, बाद में बता दूंगा। आप ये देख सकते हैं रेलिंग, ये फर्स्ट आयरन रेलिंग है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे कहीं तो है, और ये जो आगे जो ऊपर ये रेलिंग दिख रहा है, हाँ, तो इसके आगे और एक आयरन स्टेयर है। ऐसे 3 आयरन स्टेयर है यहाँ पे पूरे कलसुबाई में, जिनको लैंडमार्क आप बोल सकते हो। अरे फर्स्ट आयरन रेलिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर हैविंग दिस ब्यूटीफुल टाइम। यहाँ पे वैसे ज़्यादा तकलीफ नहीं है, वेल मार्क रूट है, लेकिन ये आयरन रेलिंग
फर्स्ट, उसके बाद सेकंड ऊपर है। सेकंड ट्रेलिंग है, काफी एग्जॉस्टिंग है, डरा नहीं देखा। देन दिस सेकंड ट्रेलिंग, थर्ड ट्रेलिंग ऊपर है इसके भी, बहुत मजा आने वाला है। इट्स रेनिंग अलॉट, बहुत बारिश हो रही है जैसे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। अभी थोड़ा स्लिपरी भी हो गया रास्ता, लेकिन मज़ा बहुत आने वाला है। ज़्यादा नहीं, हार्डली 400 meters ही बाकी है, देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है कंप्लीट होने में। अरे वैशाख सिद्धार्थ, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुलुंड से सिद्धार्थ नायर। सिद्धार्थ नायर, आपका क्या कहना है इस कलसुबाई ट्रैक के ऊपर, क्या आपको मजा आ रही है? ये इशारों में समझाते हुए बहुत मजा आ रही है, बोल नहीं पाते अक्सर कभी कभार। अभी उन्होंने मुंह से कह दिया कि वो गूंगे, अभी हम क्या बोलेंगे। और यहाँ पे फिसलते हुए सैंडल पहनने का डिसएडवांटेज यहाँ पे। ऑलमोस्ट 90%, आप देख सकते हैं हार्डली वो स्टेयरकेस बचा है, लास्ट स्टेयरकेस। बहुत मज़ा आया अभी तक तो, और बारिश भी काफ़ी हो रही है, हवा बहुत चल रही है, आल्टीट्यूड पे। अभी देखते हैं 10-15 मिनट का ही पैच है, कंप्लीट कर दे और फिर बाद में आपको ऊपर जाके व्यू दिखाऊंगा। ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम हियर, एज यू कैन सी क्लाउड्स मूविंग, और लास्ट स्टेप बचा है अभी। ये किधर से रास्ता है इसका? तो स्टार्टेड नाउ, फाइनल स्टेयर्स, एज यू कैन सी।
टेम्पो में राइड मिला अभी हम लोगों को।